तो हेलो गाइस, मैं आपका अपना अभिषेक चौधरी, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये मेरी खुद की पर्सनल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे ABS है। तो आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा और अपना ओनरशिप रिव्यू दूंगा इस बाइक को लेके। पहले बात करते हैं मैंने कब ली है ये गाइस। मैंने परचेज करी थी जनवरी 2019 में। ये मॉडल मैन्युफैक्चर्ड भी जनवरी का ही है 2019 का। उस टाइम पे मैंने अपनी लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड बाइक ली थी। तो इसकी खासियत ये है, पहले 2019 में मैंने जब ये ली थी तो ये लेटेस्ट था, उससे पहले ये ABS बाइक में नहीं आता था। तो और यहाँ पे ये जो तेल का मीटर है ये भी नहीं आता था। ये बेसिकली इंडिकेट करता है जब आपकी बाइक में तेल कम होता है, तो जैसे रिजर्व में आ जाती है तो उसके बाद ये जलने लग जाता है, नहीं तो इसमें कोई लाइट नहीं आती। और ये ABS है, इसका ABS ड्यूल चैनल ABS है। ये बाइक लगभग चल चुकी है 20,751 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 20,000 चली है, बट इसमें लगभग मैंने जितनी चलाई है उससे ज़्यादा इसमें पैसे लगा दिए हैं। पैसे मैंने ऐसा कोई मॉडिफिकेशन में नहीं लगाए, बट इसकी मेंटेनेंस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा महंगी लगी। मतलब महंगी, इसका चेन सेट मैंने 2 बार बदलवा लिया, 1 बार क्लच प्लेट बदलवा ली। इसमें काफ़ी सारी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं जो आपको टाइम बाय टाइम करनी चाहिए। जैसे ये इसकी चेन है, ये हमेशा वेट रहनी चाहिए, नहीं तो इसका जो चेन सेट है वो भाई साहब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये आप इसमें साइलेंसर देख सकते हैं, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। मतलब ये जो जाली आ रही है, ये जो बेंड पाइप आ रहा है, ये नहीं बस ये पीछे पीछे का हिस्सा मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। आफ्टर मार्केट में और बता देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या काम करवाया है। ये मैंने सीट कवर इस पर लगवाया आफ्टर मार्केट, ये, और ये इसका हैंड रेस्ट पे जो वो है फोम, ये मैंने आफ्टर मार्केट करवाया है। अब बात करते हैं मैंने और क्या करवाया, कुछ नहीं है, खुद से ही करा है। अभी इसका बेसिकली जो इंडिकेटर है, मैं आपको इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ। ये ना चारों इंडिकेटर जलते हैं, ये मैंने यहाँ पर स्विच इंस्टॉल करा था खुद ही। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से इसके 2 तार जाते हैं, ये इसके अंदर हेडलाइट के अंदर जाके कनेक्ट होते हैं। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाऊंगा कि आप कैसे अपने चारों इंडिकेटर जला सकते हैं। तो जब ये चारों इंडिकेटर जलते हैं, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आता इंडिकेटर जलने का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूँ तो जिस साइड का इंडिकेटर चल रहा होगा बस ये भी आ जाएगा। तो अब इसका एक बल्ब फ्यूज़ हो गया था, ये वाला आगे वाला, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया था। बाकी अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो ये रहा, जैसा आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं। ये मैंने ये इनके जालियां भी आफ्टर मार्केट लगवाई हैं इंडिकेटर पे और इसके। बाकी काफ़ी सारी कमियां हैं बाइक में, पर जो रॉयल इनफील्ड चला लेगा, अगर मैं अगली बाइक भी लूँगा अपनी तो मैं रॉयल इनफील्ड ही लूँगा। पता नहीं क्यों इस पर ऐसा मन टिक जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पर जल लग रहा है यहाँ पे। भाई साहब इसकी टंकी 10,000 रुपये की है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, खैर जीरो डेप इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, पर तब भी 10,000 रुपये का इसका आपको वो पड़ता है। अब हम बात करते हैं टंकी इसकी 10,000 रुपये की पड़ती है। अब हम बात करते हैं जो ये इसका ऑयल मीटर है, ये बेसिकली कुछ इंडिकेट नहीं करता। इस बाइक का 13.5 लीटर का टैंक है, अगर लगभग 3.5 लीटर के आसपास मतलब रिजर्व में बाइक आ जाती है तो ये पहले ब्लिंक करना शुरू होता है, फिर जब ज़्यादा ही कम होता है तो ये परमानेंटली बंद हो जाता है। अब ये जो सेंसर है ना भाई, ये इन्होंने नया दिया था जब मैंने अपनी बाइक ली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्लेसमेंट जाता है, ठीक है। मतलब अगर तेल पीछे रहता है तो ये बंद रहता है, अगर तेल आगे रहता है तो ये जलने लग जाता है। मान लीजिए अगर मैं बाइक को थोड़ा सा हिलाऊँ तो वो बंद हो जाएगा। और इस सेंसर की कमी ये है भाई, मैंने 3 बार बदलवा लिया। मतलब जैसा उन्होंने नया नया सेंसर बनाया था या जो भी है, रॉयल इनफील्ड को एक्सपीरियंस था नहीं था, बट ये सेंसर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है मेरी रनिंग के हिसाब से। 3 बार बहुत ज़्यादा है मैंने इस बाइक का। खैर इसमें जो आप मीटर में रनिंग देख रहे हैं थोड़ी सी कम है, ये लगभग 5-7 हज़ार किलोमीटर कम है। इसका मैंने पीछे का टायर 1 बार बदलवा दिया है, ये अभी रिसेंटली बदला है, आपको ये देख के पता चल रहा होगा। ये रिसेंटली टायर अभी बदलवाया है मैंने, इसके डिस्क पैड बदलवाए हैं मैंने, आगे के भी पीछे के भी। और भाई मेरा अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जैसे ब्रेक है, इस ब्रेक का यहाँ से तार जा रहा है, ये आप तार देख सकते हैं आगे वाले ब्रेक का, और ये यहाँ से आ रहा है। तो जो पुराना तार था, दो 2.5 साल से बाइक चल रही थी,
वो यहाँ से जब मैं ब्रेक मारता था और सस्पेंशन दबते थे बाइक के, तो यहाँ से आगे को मुड़ जाता था, जब सस्पेंशन ऐसे नीचे को दबते थे तो मुड़ जाता था ऐसे, तो मुड़ मुड़ के एक दिन क्या हुआ, वो फट गया पाइप। अब इसमें से आपको पता है कि जो ये ऑयल रहता है ब्रेक ऑयल, वो जाता है इस पाइप में से, ये ABS की तार है और ये नॉर्मल ब्रेक की तार है, तो जब इसमें से तेल जाता था तो ये फट गया था एक दिन। फटने के बाद इसका पूरा तेल लीक हो गया था और बेसिकली मेरे को नया अपना वो लगवाना था बाइक में, ब्रेक का तार। और जब मैंने पता करा तो इसका ओनली जो तार तार की कॉस्टिंग है वो 3,500 रुपये की है। मतलब मैं भी चौंक गया था कि 3,500 रुपये का बस तार, तो क्या कर सकते हैं, वो ब्रेक के बिना तो काम चलता नहीं, तो तार डलवाया। बट इसके पार्ट सच में भाई बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ABS की ब्रांडिंग भी है और यहाँ पे ABS, ये रहा ड्यूल चैनल ABS है इसमें। हालांकि इसका हॉर्न बहुत अच्छा है, जैसा कि कंपनी फिटेड हॉर्न आता है तो हॉर्न बहुत अच्छा है, बाइक का अलग ही पता चलता है, अलग ही सुनाई देता है, लोगों को सुनाई दे जाता है। पीछे की बात करें, पीछे भी डिस्क है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ABS है पीछे भी, ठीक है। और तो इस बाइक के बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है, 13.5 लीटर की इसकी टंकी है, सब जानते हैं। 350 cc का इसका इंजन है। इसका जो कलर था जब मैंने लिया था काफ़ी यूनिक था, बट अब इस कलर को कोई नहीं लेता क्योंकि जो BS6 रॉयल इनफील्ड क्लासिक आ गई है उसमें मैट फिनिश में ब्लैक कलर रंग आ गया है, ब्लैक रंग, तो वो बहुत अच्छा लगता है नो डाउट, तो वही ज़्यादातर लोग लेते हैं। ये मैंने लेग गार्ड आफ्टर मार्केट लगवाया था, हालांकि ये लेग गार्ड मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, मेरे को दिक्कत नहीं देता, बट काफ़ी लोगों को दिक्कत देता है जब वो बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद ऐसे उनका इस पर पैर लगने लग जाता है ऐसे यहाँ पे। अभी मैंने लगभग ये 3-3.5 महीने से चला ही नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले फिर से चलानी शुरू करी तो इसकी जो बैटरी थी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, कई बार किक से किक मार के बैटरी स्टार्ट करनी पड़ी, बट अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आती। ये इसका आगे वाला टायर भी लगभग घिस रहा है, ये भी चेंज करवाना है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें मेरे को एक और दिक्कत आ रही है, मतलब मैं इस बाइक से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, एक दिक्कत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। अब जैसे मैंने चाबी ऑन करी, ये अभी आप लोगों के सामने ये मतलब दिक्कत आनी रही है, बट इसका जो ये लॉक है वो ख़राब हो चुका है, मैं इसे ऑन कर दूंगा तो ऑन नहीं होता, इसे थोड़ा सा हिलाना पड़ता है तब जाके ठीक होता है। और ये देखो ऑन में भी ये दूसरी चाबी है, एक चाबी भी ऐसे घिस गई थी तो मैंने अब दूसरी चाबी यूज़ करनी शुरू करी, ये भी घिस चुकी है, अब ये ऑन में ही निकल जाती है। इसके मैंने शीशे वीशे नहीं निकलवाए क्योंकि ऐसे मुझे कोई शीशे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे स्टार्ट करके बाइक को एक बार, ये न्यूट्रल है, लाइट आ गई है। ये साइलेंसर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है इसमें, और हाँ भाई एक बाइक की एक बात, मतलब मुझे ठीक भी लगी नहीं भी, मतलब इसका नंबर जो है मेरी बाइक का 3, 4, 5, 7 आया, 6 आता तो और अच्छा रहता, बट कोई नहीं, जब आया था मेरे को काफ़ी दुख हुआ था कि 3, 4, 5 आ गया, 7 आ गया, बट ये भी यूनिक है 3, 4, 5, 7, 6 आ जाता 7 की जगह, तो एक सीक्वेंस में नंबर हो जाता। ये HSRP मैंने बाद में लगवाई थी, मेरे को शोरूम से नहीं मिली थी शुरुआत में, 2019 में ऐसा कोई नॉम नहीं था। तो आप ये बाइक की साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, ये फ्रंट, आपको बैक से भी दिखा देता हूँ अच्छे से, ये ऐसी दिखती है पीछे से, इस साइड से सही है यार, कोई मतलब ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस अगर कोई अच्छी चीज चला रहे हो उसको, अगर मतलब जब मैं इससे सड़कों पे लेके निकलता हूँ मुझे बहुत एक बुलेट चलाने में बहुत अच्छा लगता है, एक तो छपरी बाइक बाइकर वाली फीलिंग नहीं आती बुलेट लेके, सबसे बेस्ट बात तो ये है। तो अगर मेंटेनेंस भी मेरे को पड़ रहा है तो मेरे को ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है मेंटेनेंस से। हाँ हालाँकि इसका इंश्योरेंस जो मैंने 5 साल का थर्ड पार्टी का है, हर साल जीरो टैप का कराता हूँ, वो लगभग 3,000 रुपये का जीरो टैप का इंश्योरेंस होता है। मतलब दिक्कतें हैं, महंगा है, बट मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी भाई पूछते हैं भाई बुलेट का एवरेज,
भाई मैंने 20,000 मीटर में है, मैंने इसका शुरुआत में जब ली थी तार निकलवाया था तो लगभग ये 7-8 हज़ार ऐसी चलाई थी, तो मैंने आज तक इसका एवरेज कभी नापा नहीं है सच में। कोई वो नहीं लगी रिक्वायरमेंट मुझे एवरेज नापने की, बट जो भी है जैसे भी है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बस मैंने इसका टायर चेंज कराया है, 2 बार इसकी चेन सेट चेंज कराया है, 1 बार क्लच प्लेट चेंज कराई है इसकी, 2 बार एक्सीडेंट की वजह से टंकी चेंज हो चुकी है, और ये आगे का फेंडर चेंज हो चुका है 1 बार, हेडलाइट फूट गई थी हेडलाइट चेंज हुई है। मतलब मेन अगर एक्सीडेंट से अलग बात करें तो चेन सेट, टायर और क्लच प्लेट, स्पार्क प्लग तो खैर वो तो सर्विस में होते ही हैं, और ऐसा तो इतना कुछ नहीं करवाया, बाकी सर्विस में ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर तो होता ही है चेंज, तो बस यही है गाइस। बाकी बाइक ठीक है, कोई दिक्कत मुझे आज सच इतने सालों में लगी नहीं, मतलब इसमें कुछ भी दिक्कत आया, बट इसने आज तक तो मुझे कितना भी मेंटेनेंस हो इसने मुझे सड़क पे खड़ा नहीं करा, ब्रेक भी फेल हो गए थे उसके बाद भी पीछे वाले ब्रेक से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पीछे वाला भी डिस्क है प्लस ABS है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी बाइक को चलाने में। हालांकि उस दिन ब्रेक फेल होने के बाद मुझे 100 किलोमीटर मजबूरन चलानी पड़ी, 100 किलोमीटर में पता चल गया था कि पीछे पीछे वाले ब्रेक पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। और बात करें डबल स्टैंड, ये है सिंगल स्टैंड है भाई, इसके स्टैंड बहुत भारी हैं, जो रोज़ बुलेट नहीं चलाता उस वो 2 बार में स्टैंड लगा पाता है, क्योंकि इसके स्टैंड बहुत भारी है इसका, ये आप फौरन देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास तो है नहीं, ये हाई बीम हो गया इधर पे, ये न्यूट्रल हो गया, वो इंडिकेटर की लाइट हो गई, इंडिकेटर की लाइट हो गई, बस यही है इसमें। मैंने बस एक ये वो करवा रखा है, वो भी वायरिंग बिना कटिंग के, इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे आप भी अपने रॉयल एनफील्ड में 4-way इंडिकेटर या हज़ार्ड स्विच लगा सकते हैं, बस एक स्विच से विदाउट वायर कटिंग, बस जो आपका खर्चा है वो ये है 20-30 रुपये का बस। चलो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपका अभिषेक चौधरी साइनिंग ऑफ।